चलिए दोस्तों, लेकर आ गए और एक जबरदस्त वीडियो आपके लिए। फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान हब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिवाली का सीजन है, आई होप आप सब लोग फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो और आप सेफ भी हो। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि अगला साल जो आए वो 2020 जैसा तो बिल्कुल भी ना हो, जिससे कि हम एकदम सेफ रह सके। तो फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी दिवाली मेरी ओर से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडियो में आ चुका है बोट का एक ईयरबड्स, ये है एयरडॉप्स 441 और ये ट्विन ईयरबड्स है, ट्विन मिनी ईयरबड्स जो हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोग ने जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था वो पोटोनिक्स के ईयरबड्स थे। मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा और उसका आई बटन में भी लिंक आपको दे दूंगा, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। वैसे इसकी बात करें तो ये भी एक बजट रेंज का ईयरबड है, जिसका जो आप अगर बेस फ्रेंडली हो यानी आपको बेस ज़्यादा पसंद है तो फ्रेंड्स ये आपके लिए, क्योंकि इसमें बेस की एकदम ही भरमार है इसमें। तो फ्रेंड्स, आज इसका जो वीडियो है इसमें हम सब कुछ करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, मैं इसको फर्स्ट इंप्रेशन आपको दे दूंगा और क्या आपको लेना चाहिए हम सब कुछ वीडियो में आराम से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो को देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं। तो गैस, ये है उसका आउटर बॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हो एयरडॉप्स 441 बोट की ब्रांडिंग दी गई है, ट्विन्स मिनी ईयरबड्स है यहाँ पर और फीचर्स यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। 5.0 ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे है, सर्टिफाइड IPS7 टेक्नोलॉजी पर है ये। साइड की बात करें तो यहाँ पर वन टच वॉइस असिस्टेंट भी आपको देखने मिल जाएगा, एडवांस कैप्टिव टच कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। और दूसरी ओर हम देखें तो और कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ड्राइवर्स की बात की गई है और डिज़ाइन की बात की गई है। यहाँ पर बोट की ब्रांडिंग आप देख सकते हो। इस साइड पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है और इसमें 500 mAh की बैटरी यूज़ की गई है जो आउटर केस है। बॉक्स के पीछे के साइड आपको और डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चार्जिंग के नॉर्म्स यहाँ पर देखने मिल जाएंगी, कौन सी एडाप्टर प्रेफरेबली यूज़ होगी ईयरबड्स के लिए तो आपको करंट बेटर मिल जाएगा उससे। ये सब एडवाइजरी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो अगर आपको चाहिए। सेकेंडली, यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय की जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर एक एडवाइजरी है कि ईयरबड्स को आप जैसे ही निकालोगे वो 100% वॉल्यूम पे होगे, तो उसका आप खास ध्यान रखिएगा। MRP आप देख सकते हो 5999 की MRP है, पर Amazon का जो प्राइस है वो अलग है। मैं आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो भी MRPs और वो सब है लिंक दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं बॉक्स के अंदर के कंटेंट्स क्या क्या है। दोस्तों, काफ़ी नीट पैकिंग है इसकी, जैसे कि बोट की हर बार होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर केस आपको देखने मिल जाएगा। देखते हैं हम और क्या क्या कंटेंट्स है यहाँ पर। केस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और देखते हैं अंदर क्या क्या है। थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ पर देखने मिल जाएगा, देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में हमें किस प्रकार की चीज़ देखने मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है एक मैनुअल गाइड। फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे केयरफुली पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इस बर्ड्स को यूज़ कैसे करना है, इसे ऑपरेट कैसे करना है, क्योंकि ये फेदर टच केस है, नॉर्मल बटन्स नहीं है इसमें। तो आपको प्रेफरेबली है कि आप एक बार ये मैनुअल पढ़ लीजिए, तो आपको सारा कुछ इसका इनसाइट्स सब कुछ आपको देखने मिल जाएंगे इसमें। और फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ पर एक बोट का एडवर्टीजमेंट कार्ड यहाँ पर दिया गया है, जो कि हर एक बोट के प्रोडक्ट के साथ आता है। और फ्रेंड्स, थर्डली इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी कार्ड मिल जाएगी आपको, तो काफ़ी हैंडी हो जाएगा आपको फ्यूचर में अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं तो आप कॉल कर सकते हो। और इसमें एक छोटा सा बॉक्स देखने मिल जाएगा, आई होप इसमें ईयरबड्स की एक्स्ट्रा टिप्स है। जी हाँ, ईयरबड्स की एक्स्ट्रा टिप्स आपको देखने मिल जाएगी इसमें। और चार्जिंग केबल, फ्रेंड्स ये Type-C USB चार्जिंग केबल है, ये काफ़ी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है।
वैसे आपको 3 पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिल जाएगी एक्स्ट्रा, आप अपने कानों के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। प्लस इसमें एक ग्रिप भी दी गई है जिससे कि आपके ईयर्स को एक कंफर्ट मिलता है। ये ईयरबड्स में आप एक्स्ट्रा आपको दी गई है, आप इसे अटैच कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स अब केस देखते हैं हम। यहाँ पर आ गया हमारा फाइनल ईयरबड। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है ईयरबड्स। आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन और ब्लू की लाइट्स फ्लैश होते हुए। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसे निकाल लेते हैं केस के बाहर और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। फ्रेंड्स ये काफ़ी लाइट है, 7 to 8 ग्राम्स तक इसका वज़न हो जाएगा दोनों मिलाकर। फ्रेंड्स केस की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक है यहाँ पर, आप देख सकते हो, और ब्लू लाइट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। फ्रेंड्स पीछे थोड़ी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये केस में 500 mAh की बैटरीज है और फ्रेंड्स टाइप सी पोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, जिससे कि आप इजीली चार्ज कर पाओगे इसे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं ईयरबड्स की क्वालिटी कैसी है। फ्रेंड्स ये एक फेदर टच ईयरबड है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, जो ग्रीन और ब्लू लाइट्स है इसका मतलब ये पैरिंग के लिए रेडी है, और जैसे ही पैर हो जाएगा तो ये लाइट्स आपको ब्लू होते हुए दिख जाएगी। फ्रेंड्स ये देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने जैसे कहा कि फेदर टच है, तो जैसे ही आप इसे टच करोगे पूरे ईयरबड्स रेड कलर के हो जाएंगे। ये इंडिकेशन देगा कि आपने इसे टच किया है और आप इसे कुछ ऑपरेट करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हो पीछे जो 3 डॉट्स है ये चार्जिंग के पॉइंट्स है। चलिए दोस्तों अब हम इसे मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं और टेस्टिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो AirDots 441, यही है हमारे ईयरबड्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज 100% दिया गया है क्योंकि अभी हमने केस से निकाला है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम म्यूज़िक ऑन करके देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों आप प्लेलिस्ट को अपने ईयरबड्स के थ्रू भी कंट्रोल कर पाओगे, जैसे कि अगर आपको पॉज करना है तो आपको सिर्फ एक बार टैप करना है ईयरबड्स के ऊपर, और अगर आपको प्रीवियस ट्रैक प्ले करना है तो लेफ्ट ईयरबड के ऊपर आपको डबल टैप करना है। अगर नेक्स्ट ट्रैक आपको प्ले करना है तो राइट ईयरबड के ऊपर आपको डबल टैप करना है। फ्रेंड्स ये एकदम इजी है, जबकि आपको कॉल अगर उठाना है तो भी आपको लेफ्ट ईयरबड के ऊपर एक टैप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये एकदम ही हैंडी हो जाएगा आपके लिए और एकदम काफ़ी ईजी टू यूज़ है। तो फ्रेंड्स मैंने इसे हाफ एन आवर तक फुल पोटेंशियल पे यूज़ किया है, और इसके बाद मैं आपको बोल सकता हूँ कि हम इसे 4.6 की रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 5। इसके बेस की बात करें तो बेस तो दोस्तों इसमें काफ़ी तगड़ा है, लोज हाइज मिड्स वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक ओवरऑल पैकेज है, आपको जो बजट रेंज में आपको जो नॉर्मल ईयरबड्स मिलते हैं उसके कंपटीशन में ये आराम से खड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो अगर आप एक बजट रेंज का ईयरबड्स अगर ढूंढ रहे हो। मैं इसकी बाइंग लिंक सबको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे दे दूंगा, तो आप कभी भी चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं अगले किसी नए ज़बरदस्त वीडियो में। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कोई भी डाउट हो तो, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।